नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होंगे कि कुछ कटिंग्स काट के रखे हुए हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ दो मैंगो क्यों रखे हुए हैं। तो मैं कोई कटिंग लगाने में मैंगो खाते नहीं रहूँगी, ना ही मैं इन कटिंग को ये मैंगो खिलाने वाली हूँ। ये तो आपसे मुझे शेयर करनी थी कि जो मैंगो हमने लगाए थे, जो पेड़, वो करीब करीब 1.5 साल पुराने हैं, और अब जा कर के उसमें इस बार 1.5-2 साल में उसमें आम पकड़ लिया था। तो मैंने उसके सारे मंजर हटा दिए थे, लेकिन बच्चे की जिद से जब छोड़ दिया तो थोड़े से 10-15 करीब करीब बचे हुए थे, जो अंधड़ वगैरह आने से टूट के गिर गए। लास्ट लास्ट तक यही दो मैंगो बचा रहा, ये अभी खेत में ही पक गया है। मैं हाथ से पकड़ती हूँ तो ये गीला, ऐसे ऐसे गीला गीला लगता है, ये खेत में ही पक गया है। ये समझिए, बिना कार्बाइड का इस तरह का मैंगो अगली बार से तो ये अपने खेत में, अपने पेड़ में ढेर सारे खिलेंगे। तो इसी को मुझे आपसे शेयर करनी थी। अब हम लोग कटिंग पर चलेंगे और कटिंग लगाएंगे। कटिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर दो तरह की कटिंग्स रखी है। एक है ये शम्मी का, शम्मी प्लांट जो होता है उसी कटिंग है ये। इसमें मैंने जहाँ तक हो सका है मैंने इसके पत्ते को हटा दिया है, लेकिन थोड़े से पत्ते अभी भी इसमें लगे हुए हैं। इससे आप इनको पकड़ ले सकते हो कि ये शम्मी का प्लांट है, उसकी कटिंग है। इसकी भी बहुत सारी मेरे पास डिमांड पहले से आई हुई थी कि शम्मी का कटिंग लगाओ, लेकिन बरसात का मैं इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ मैंने 5 कटिंग शम्मी के रखे हैं और 5 कटिंग ये कनेर के हैं। कनेर का जो फूल होता है वो मेरे बगीचे में नहीं है, और जब अभी बरसात का समय आ गया है तो मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं ग्रो कर लूँ कटिंग से। तो इनको काट कर इनके पत्ते को सबसे पहले इनकी कटिंग कर लें। 6-7 इंच से ज़्यादा बड़ी कटिंग न रखें, बेहतर है छोटी ही कटिंग रखें। और इसमें आप इसके इधर आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने हल्दी लगा रखी है। मेरे पास रूट हार्मोन्स अभी नहीं थे तो मैंने ये लगा दी है। अगर आपके पास रूट हार्मोन्स हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें हल्दी लगा दी है, और इसको मैं ग्रो करने के लिए अपने जो खेत की मिट्टी है, सॉयल है, उसी में मैं इसको ले चल के ग्रो करूँगी। यहाँ सॉइल की थोड़ी सी मैंने गुड़ाई कर दी है, बस इसमें से एक एक कटिंग को लेनी है और इसको इसमें ऐसे करके अंदर की ओर थोड़ी तिरछे करते हुए दबा देने। ये मैं पहले कनेर का लगा रही हूँ। पांच कटिंग लगा रहे हैं दोस्तों। जब भी कटिंग लगाएं तो 5-6 की संख्या में लगाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कटिंग्स डेवलप कर जाते हैं। कभी कभी आपके कुछ कटिंग्स नहीं भी लगेंगे, तो इस हालत में ऐसा ना हो कि जो लगाए थे वो ना लगे और कटिंग की कमी हो जाए। यहाँ थोड़ी करी जमीन लग रही है, तो इसमें मैंने 5 लगा दी। यहाँ अब शम्मी का आ गया, तो शम्मी को भी 5 को लगा देते हैं।
अब इस जगह को जहाँ पर कटिंग लगाई गई है इसको नम रखना है। नम मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पानी भर के छोड़ दो तो भी दिक्कत हो जाएगी, मतलब इसकी नमी बरकरार रहे इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब जब लगा लिए हो कटिंग तो इसमें अब अच्छी तरह से पहली बार पानी दे दो और फिर इसकी ज़मीन को सॉयल को चेक करते रहो। जैसे ही ये इसकी नमी कम होने लगे तो इसमें दे देने हैं। जितने हैं सारे के सारे पहली बार थोड़ी अच्छी तरह से ही डाल देनी है। तो दोस्तों इस तरह से अभी बरसात के मौसम में कटिंग का समय है, कटिंग आप भी लगा लो तो एक प्लांट के अनेकों प्लांट आप बैठे बैठे घर में ही बना ले सकते हो। तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा चाहूँगी, फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त चाहिए। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जाकर आपको जो पूछना चाहें पूछ सकते हो। मैं आज बस विदा ले रही हूँ। मेरे दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।